सिंह धामी ने रविवार को देहरादून के रिश्वना स्थित होटल में भाजपा महानगर मोर्चा महिला मोर्चा देहरादून द्वारा आयोजित सुषमा स्वराज अवार्ड कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 26 महिलाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की याद करते हुए कहा कि सुषमा स्वराज ने जी ने बहुत ही कम उम्र में बड़े मुकाम हासिल किए। उन्होंने कहा कि सुषमा जी भारतीय मूल्यों पर और शालीनता की मूर्ति रही है, जिन्होंने राजनीति में आजाद शत्रु वाली महिला नेत्री भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि सुषमा जी ने देश में ही नहीं विदेश में भी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए वे बाकी से अपनी बात दुनिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि जो विजन सुषमा स्वराज जी ने महिलाओं के लिए दिखा था, आज केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं के लिए उसी दिशा में काम कर रही है, करते हुए आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं मोर्चाओं को इस योजना के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा, केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिट्टी मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उज्ज्वला भविष्य योजना समेत अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। इसी दिशा में राज्य सरकार भी महिलाओं के हितों में अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का प्रावधान किया है, ताकि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस राज्य में महिलाओं को बराबरी की अवसर प्राप्त हो। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की महिलाओं के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, अमृत आंचल योजना, माँ लक्ष्मी योजना, लखपति दीदी योजना जैसी अनेकों योजनाएँ संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले बजट में भी महिलाओं का कल्याण की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में प्रदेश भर में खेल रहे शिक्षक सामाजिक न्याय के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्य आगे भी निरंतर रहेगा। प्रदेश में सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। सीएम धामी ने कहा कि सीएम बनते ही छात्रों ने परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायत की है। उन्होंने तत्काल जाँच कराई तथा नकल माफियों करोड़ों के अवैध कारोबार पर चोट की है। नकल माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया है। सरकार किसी भी सूरत में नकल माफियाओं को शिक्षा पर डाका डाल नहीं देगी। योग्यता और क्षमता पर ही लोग नौकरियों में चुने जाएंगे। सरकार अभी तक 60 से अधिक लोगों को जेल भेज चुकी है। 8 जनवरी में पटवारी भर्ती में नकल की जानकारी 11 जनवरी को मिलते ही परीक्षा रद्द करने से पीछे नहीं हट गया। इसमें संचरित लोगों को जेल भेजा गया। नकल माफिया जैसे कैंसर को मिटाने की दिशा में सख्त कार्रवाई के सख्त नकल विरोधी कानून अब कुछ लोगों को इस सख्त नकल विरोधी कानून से भी परेशानी है। सरकार हाईकोर्ट के जज से भी जांच करा रही है। अब सीबीआई जांच की मांग को लेकर कर रहे पहले सीबीआई कोर्स कर रहे लोगों को चाहते हैं कि सीबीआई जांच के नाम पर परीक्षाएं सालों तक लटकी रहे परीक्षा ना होने की परेशानी, छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे इन लोगों की मंशा है। यही लोग छात्र की उकसा रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से दिशा दिए गए पारदर्शी सिस्टम से छात्रों को विश्वास लौटा है। यही वजह है कि 3 लाख से अधिक छात्र 3 परीक्षाओं में शामिल हो चुके हैं। कोई बहिष्कृत नहीं हो रहा है। किसी को भी बच्चों को भी भविष्य में खिलवाड़ नहीं कर दिया जाएगा। उन्होंने फैलाया जा रहा झूठ मुंह तोड़ जवाब देने को मात्र शक्ति से आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पारदर्शी तरीका से परीक्षाओं आयोजित करने के उद्देश्य से सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिसमें नकल करने वालों के खिलाफ कठोर दंड के प्रावधान किया। प्रदेश में आगामी परीक्षाओं के लिए कैलेंडर भी जारी कर दिया है। धन्यवाद के साथ मैं सुशील इलवाइस के साथ बने रहे। नमस्कार।